अच्छा तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। कि हमने इंटरफेसेस बना ली हैं, उसके बाद हमने उनको एवेल्युएट कैसे करना है। हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। व्हेन द मैन्यूज बिकम वेरी लॉन्ग टू सॉल्यूशंस इमर्ज। जो मैन्यू बार बनाते हैं उनके अंदर मेन्यू सब मेन्यू की ऑप्शंस जो होती हैं, जब बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो दो सॉल्यूशन आए जिनमें से हम अडाप्टिव मेन्यू यूज कर सकते हैं या सेपरेट मेन्यू यूज कर सकते हैं। अडाप्टिव इट इज नॉट क्लियर इमिडिएटली विच वन इज बेटर। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन आए, अडाप्टिव मेन्यू भी यूज कर सकते हैं सेपरेट मेन्यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन सा बेटर होगा एट ए दिस पॉइंट नहीं पता चल रहा कौन सा बेटर है। अब अडाप्टिव मेन्यू कौन सा होता है? आपने देखा होगा कि बर्ड में आपको समटाइम जो सब आपको मेन्यू है मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रही होती हैं, वो ऑप्शन मोस्ट जो आपने यूज की होती हैं रिसेंटली यूज की होती हैं वो टॉप पे शो हो जाती हैं, वो अडाप्टिव मेन्यू होता है। उसकी भी डिफरेंट प्रोज और कॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब नुकसान ये हो सकता है कि हर दफा जब आप नया नया ओपन करोगे तो आपको वो डिफरेंट ऑप्शन शो होगी। मीन्स ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो यूज टू हो जाता है एक तरह की चीज को देखने का। अगर आप मुझे पता है कि मैंने सेकंड ऑप्शन से कट देखा होगा तो मुझे लगता है कि कट वहाँ सेकंड ऑप्शन में होगा, थर्ड से ये ऑप्शन होगी। अगर हर दफा रिसेंटली यूज के बेस पे हर दफा वो दोबारा से ऑप्शन शो होना शुरू हो जाती है मेन्यू में, वो अपडेट हो जाता है तो वो यूजर को अनवाई कर सकता है। अडॉप्टिव मेन्यू में ये होता है कि हर दफा जो ऑप्शन होती है वो रिसेंटली यूज के बेस पे अपडेट हो जाती है। देन एक और है सेपरेट मेन्यू। सेपरेट मेन्यू में क्या होता है, मेन्यूज को दो पोर्शन में सेपरेट कर दिया जाता है। दिस वन यहाँ पे जो टॉप पे शो हो रहा है एक पोर्शन है जिसमें वो रिसेंटली यूज्ड मेन्यू को शो किया गया हो, और एक पोर्शन ये नीचे बॉटम में शो किया गया है जिसमें आपको जो अल्फाबेटिकली सारे ऑप्शन शो की गई हैं। तो एक क्वेश्चन ये आया कि उसमें हमने दोनों क्वेश्चन को रख दिया, एक तो रिसेंटली यूज को भी रख दिया जिसमें से वो मोस्ट कॉमनली यूज को शो कर देता है टॉप पे, जिनमें से इनमें से सिलेक्ट कर लिया जाता है 3 to 4 में से। और एक वो होता है जो अल्फाबेटिकली बाकी सारी ऑप्शन को शो कर सकते हैं, अगर आप कोई डिफरेंट ऑप्शन शो करना यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे एवेलुएट किया जा सकता है, इसके लिए डिफरेंट रिसर्च मेथड यूज होते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पे। वी कैन फाइंड द स्प्लिट मेन्यूज आर अडॉप्टिव मेन्यूज बाय एम्प्लॉइंग द रिसर्च मेथड। 3 मेन ऑप्शंस है हमारे पास, लैब एक्सपेरिमेंट, फील्ड स्टडी या सर्वे। हम लैब एक्सपेरिमेंट भी करवा सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेन्यू ज्यादा बेटर है, फील्ड स्टडी करवा सकते हैं या सर्वे करवा सकते हैं। हर किसी के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। वन बाय वन हम देखते हैं लैब एक्सपेरिमेंट। लैब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, स्पेसिफिक टास्क गिवन टू द यूजर्स परफॉर्मेंस मेजर। अच्छा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्या मतलब है कि लैब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम यूजर्स को बुलाते हैं, डिफरेंट यूजर्स फाइंड आउट करते हैं कि हमें इसकी एवेलुएशन या टेस्टिंग किससे करवानी है। हम उन यूजर्स को बुलाते हैं लैब में, उनसे कुछ टास्क परफॉर्म करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट यूज करवा आप टाइप करवा लेते हो सिमिलर, या कुछ ऑप्शन कुछ टास्क आपने प्री डिफाइन किया होता है कि ये टास्क हमने परफॉर्म कराने हैं, जो कि आप लैब एक्सपेरिमेंट सेट करके रखते हो, आप वही स्पेसिफिक टास्क उनसे परफॉर्म करवा लेते हो। और उसमें परफॉर्मेंस मेजर कर दी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, हमने एफिशिएंसी देखनी है, एफिशिएंसी मतलब हमने टाइम किस इंटरफेस पे टाइम कम लगाया है, कौन से इंटरफेस पे आपने देखना है कि आपने इफेक्टिवनेस चेक करनी है, इफेक्टिवनेस इन द सेंस कि आपने देखना है कहाँ मिनिमम एरर आई है। तो आपने ये चीजें चेक करने के लिए अगर देखना है तो आप उसकी आप प्री डिफाइन एक तो आपने टास्क प्री डिफाइन किए हुए हैं और आप डिफाइन कर लेते हो पहले से। आप परफॉर्मेंस में भी आप ये करते हो कि आप डिफाइन कर लेते हो कि हमने मेजर कौन सी चीजें करनी है, आप वो चीजें मेजर कर लेते हो, देन देख लेते हो कौन सा ज्यादा बेटर है। एग्जाम्पल कैन बी स्टडी टू टू सी विच पॉइंट इज मोर रीडेबल। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट टाइप के आपने टास्क डिफाइन किया है, कौन सा आपने फाइंड आउट करना है कौन सा फंड जो है वो ज्यादा रीडेबल होता है। उसके लिए आपने यूजर को आस्क यूजर टू रीड द डिफरेंट टास्क
टैक्स इन डिफरेंट फॉन्ट्स में, आप यूजर डिफरेंट फॉन्ट्स में टैक्स लिखा हुआ है आप यूजर को वो रीड करने के लिए देते हो, मेजर देयर स्पीड एंड हाउ मच दे अंडरस्टूड, उनकी स्पीड चेक करते हो कौन सा ज्यादा रीडेबल है और अंडरस्टैंड, हो सकता है वो जल्दी से रीड कर लेकिन उन्होंने अंडरस्टैंड भी नहीं किया। आपने डिफाइन किया हुआ है क्राइटेरिया कि आपने उनकी स्पीड मेजर करनी है लेकिन उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी भी आपने देखनी है, कितना जल्दी लर्न किया अंडरस्टैंड किया और कितना जल्दी उन्होंने रीड किया है। आपने दो डिफरेंट पार्ट में, आप यहाँ पे हमने स्पेसिफिक टास्क डिफाइन कर लिए और हमने क्या मेजर करना है वो भी डिफाइन कर लिया। लैब एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द एक्सपेरिमेंट इज डिजाइन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने डिजाइन से केयरफुली किया हुआ है, हो सकता है कि वहां पे जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट किसी और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से हो, मतलब कोई और चीज अफेक्ट कर रही हो और हम उसको कर रहे हैं कि ये इस वजह से इसकी स्पीड, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स एस्ट्रो फिजिक्स के बारे में कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब जो यूजर्स हैं वो एस्ट्रो फिजिक्स के, अब एक इंटरफेस था जिसमें यूजर जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज रखते हैं, वो फिजिक्स के लोग हैं और वो फिजिक्स, तो वो उससे ज्यादा जल्दी रीड कर लेंगे, और एक इंटरफेस जो है वो यूजर्स जो है वो सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रखते। अब इस केस में क्या था, एक और वेरिएबल था जो कि सब्जेक्ट नॉलेज था, अब जो लोग उसका नॉलेज रखते हैं वो जल्दी उसे डेफिनेटली जल्दी रीड कर लेंगे, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये फॉन्ट जो है ज्यादा रीडेबल है, बल्कि इसमें कोई और वेरिएबल अफेक्ट कर रहे थे जिसकी वजह से रीडेबिलिटी इंप्रूव हो रही थी, वो जो था उनका सब्जेक्ट नॉलेज था। तो आपने जब एक्सपेरिमेंट में टास्क डिफाइन करने हैं तो वो एक्सपेरिमेंट को डिजाइन बहुत केयरफुली करना है कि कोई और चीजों की वजह से अफेक्ट ना हो रहा हो, अदरवाइज द रिजल्ट वुड नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी, और डेफिनेटली अगर आपने केयरफुली डिजाइनिंग किया है तो जो रिजल्ट होंगे वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल दी है कि उसमें अगर सब्जेक्ट नॉलेज है, कुछ लोग जो है वो फिजिक्स का नॉलेज रखते हैं, फिजिक्स के लोग हैं वो अब डेफिनेटली उसको जल्दी पढ़ लेंगे, और बजाय इसके कि आप कोई ऐसा आप कोई किसी रैंडम टेक्स्ट दे सकते हैं डिफरेंट वर्ड जिसमें कोई मीनिंग कन्वे ना कर रहे हो, डिफरेंट वर्ड यूज करके दे सकते हैं। एग्जाम्पल व्हेन एक्सपेरिमेंट इज नॉट वेल डिजाइन, अब एक्सपेरिमेंट अच्छा डिजाइन नहीं हुआ उसकी एग्जाम्पल क्या है, एक्सपेरिमेंट को कंपेयर रीडिंग स्पीड विद टू पार्ट्स, आपने रीडिंग स्पीड फाइंड आउट करनी है दो पार्ट्स की और आप कहते हैं कि जो जल्दी पढ़ लेगा हम कहेंगे वो पार्ट ज्यादा रीडेबल है। पार्ट वन रीडर्स आर गिवन ए पैराग्राफ ऑन एस्ट्रोफिजिक्स एंड पार्ट टू रीडर्स आर गिवन इन ए पैराग्राफ ऑन समान। अच्छा एक तो ये बात भी हो सकती है कि हम वो जो बंदा था जो लोग थे जो यूजर्स थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो जो थे वो लोग उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखते थे तो उन्होंने जल्दी रीड कर लिया। एक और केस हो सकता है कि आपने क्या किया है, टास्क डिजाइन ऐसे किया है एक्सपेरिमेंट को कि आपने एक इंटरफेस वाले लोगों को डिफरेंट टास्क दिया है, दूसरे इंटरफेस वाले लोगों को डिफरेंट टास्क दिया है, अब ये रियलिटी को तो रिजल्ट नहीं शो कर रहे, अब एक इंटरफेस वाले को आपने स्थान दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इस्लामाबाद से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक इंटरफेस वाले लोगों को आपने एस्ट्रोफिजिक्स का एक पैराग्राफ रीड करने के लिए दिया है, अब जो इस्लामाबाद पे जिन लोगों को आपने पैराग्राफ दिया वो डेफिनेटली रीड करना बहुत आसान है, बजाय इसके कि आप उस दोनों को, आपको चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंट इस तरह से डिजाइन करें कि दोनों के लिए टास्क हैं वो सेम लेवल के होने चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस एक्सपेरिमेंट, गोल क्या है, जज आईफोन कीबोर्ड, 20 यूजर हाफ ऑन QWERTY एंड हाफ ऑन 6 9 कीज। अच्छा इस एक्सपेरिमेंट में क्या रॉन्ग था, एक और चीज, एक तो पहले हमने बात की थी कि सब्जेक्ट नॉलेज जो है उनका सेम होना चाहिए जो यूजर्स हैं, दूसरी हमने बात की दोनों को टास्क सेम लेवल के देने जाए, थर्ड एक और रॉन्ग चीज, आप यहाँ पे जो आप जहाँ जिस पे टेस्टिंग करवा रहे हो वो दोनों के लिए सेम होनी चाहिए ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए, जैसे हो सकता है यहाँ पे आपने गोल था आपने जज करना है आईफोन का कीबोर्ड, आपने क्या किया है कुछ लोगों जो थे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो आपने सबको आईफोन अगर दे दिया, कुछ लोग जो थे वो पहले के आईफोन के यूजर्स थे कुछ नहीं थे यूजर, अब जो नया यूजर है उसको वो यूज करने में डेफिनेटली मुश्किल होगा, वो कैसे उस पर टाइप कर सकता है, उसे एक नया बंदा जो है वो टाइप करने लगेगा तो उसे मुश्किल लगेगा नए फोन पे, अब एक कुछ लोग जो पहले के आईफोन के यूजर्स हैं तो उनके लिए वो आसान होगा, तो आपने यूजर सेलेक्ट करते हुए ये चीज को माइंड में रखना है कि सबका नॉलेज सबका सेम लेवल हो,
तो देन आपका लैब एक्सपेरिमेंट जो होगा वो एग्जैक्टली सही रिजल्ट शो करेगा, नहीं तो लैब एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होंगे वो रियलिटी बेस्ड नहीं होंगे। एक और मेथड हम देखते हैं फील्ड स्टडी। हम फील्ड स्टडी भी कर सकते हैं सॉल्ट ऑफ फ्लाई के लैब एक्सपेरिमेंट बट इन द रियल सिचुएशन और लोकेशन। फील्ड स्टडी होता है वो लैब एक्सपेरिमेंट की तरह का ही होता है लेकिन वो रियल होता है। लैब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं उसमें कुछ टास्क परफॉर्म करवाते हैं, मतलब स्पेसिफिक टास्क जो हमने प्री डिफाइंड किए हुए हैं वो यूजर से टेस्ट करवाते हैं, और प्री डिफाइंड ही हमने क्राइटेरिया वो बनाया हुआ है कि हमें ये चीजें मेजर करनी है और हम वो चीजें उनसे मेजर करवा लेते हैं। अब फील्ड स्टडी में क्या होता है, हम करवाते तो वही चीजें हैं लेकिन वो रियल एनवायरमेंट में, जैसे अगर कोई आप एस्ट्रोफिजिक्स पैराग्राफ लिखवा रहे हैं टाइपिंग चेक करने के लिए, तो आप रियल, हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम रियल एनवायरमेंट में जो वो रियल में टाइपिंग यूजर करता है वही टाइप करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल लतीफ पॉवर्टी लैब अफॉर्मेटिव कंडक्टेड ए फील्ड एक्सपेरिमेंट इन द इंडिया इन विच दे शोड दैट गिविंग फाइनेंशियल इंसेंटिव इंक्रीजेस टीचर अटेंडेंस इन द स्कूल। अब उन्होंने एक फील्ड स्टडी की, उन्होंने देखा कि अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं तो टीचर्स की अटेंडेंस जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। लर्निंग, ये एक फील्ड स्टडी के एग्जाम्पल है, लर्निंग अचीव्ड इन स्टूडेंट बाय प्लेइंग एन एजुकेशनल गेम। एक के एजुकेशनल गेम्स स्टूडेंट्स को दी गई, स्कूल में किड्स को दी गई, और उसको प्ले करने से उनकी एजुकेशन जो लर्निंग होती है वो इम्प्रूव होती है या नहीं होती है, इसको चेक करने के लिए फील्ड स्टडी की गई। फील्ड स्टडी जो होती है वो थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए होती है। लैब एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि मैंने आधा घंटा 1 आवर मैंने डिफाइन किया हुआ है उस टाइम के अंदर मैं परफॉर्म कर लेती हूँ, आर्टिफिशियल टास्क होती है। फील्ड स्टडी में क्या होता है वो रियल एनवायरमेंट में होती है, उसमें क्या किया जाता है, एक तो कुछ फॉर एग्जाम्पल 1 2 मंथ के लिए उसको ऑब्जर्व किया जाता है और देन लॉग मेंटेन, फॉर एग्जांपल लॉग का डाटा आपने फाइंड आउट कर लिया और आपने देखा कि यार गेम्स खेलने से स्पीड्स की लर्निंग इंप्रूव होती है या नहीं होती। टाइपिंग स्पीड बाय यूजिंग फैक्ट। अच्छा एक्सपेरिमेंटल स्पीड स्टडी में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल शुड बी ऑलमोस्ट इनविजिबल। यूजर्स को ये नहीं फील होना चाहिए। अब यहाँ पे लैब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आप उसको यूजर्स को देख रहे होते हो, आप वहां पे उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो, आप वहां खड़े हो, वो आपकी उनको यूजर्स को पता है कि वो आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यूजर्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो फील्ड स्टडी के अंदर जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो इनविजिबल होता है, उसको ये फील नहीं होता, रियल एनवायरनमेंट में यूजर पर काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, रियल रिजल्ट आते हैं कि एक्चुअल में इसकी आउटपुट क्या होती है। ये फील नहीं होता कि आर्टिफिशियली हमें बिहेव करना है। जब भी हमें पता चलता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है तो हम आर्टिफिशियल थोड़ा बिहेव करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि आपने एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, और यहाँ पे ये फीलिंग नहीं आती कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि इन मार्क्स कंपैरिजन बिटवीन द टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के दरमियान कंपैरिजन क्या होता है, थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए होता है फील्ड स्टडी एज कम्पेयर टू लेवल, जैसे 1 मंथ के लिए हो सकता है, 2 मंथ के लिए हो सकता है, डिफरेंट टाइप के हम रिसर्च करते हैं वो इसके रिजल्ट देखने के लिए। एक वो मेथड है सर्वे, आस्क यूजर हाउ दे फेल्ट, हाउ यूजेबल इट वाज एट एक्स्ट्रा। कैन बी ए सर्वे या फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है, सर्वे में हम क्वेश्चनियर बनाते हैं और क्वेश्चनियर फिल करवा देते हैं, या फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू गेट द रिलायबल इंफॉर्मेशन, गेट करना बहुत मुश्किल होता है। जनरल प्रैक्टिस टू स्टैंडर्डाइज सर्वे, जो क्वेश्चन ईयर बनाना होता है वो भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है। जनरल प्रैक्टिस क्या होता है कि पहले के जो फील्ड के अंदर क्वेश्चन ईयर बने होते हैं उन्हीं को यूज कर दिया जाता है, और वो क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, एक तो हम ये जब कोई एग्जामिनर होता है तो वो आपसे पूछ सकता है कि आपकी इन क्वेश्चन की क्या ऑथेंटिक ये क्वेश्चन है या नहीं है, अगर आपने खुद से बनाए हुए हैं तो वो आपको कभी भी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ये आपकी क्वेश्चन ऑथेंटिक है। तो आप अगर आपने किसी के स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पहले के बने हुए हैं वो यूज कर रहे हो, तो आप ये दे सकते हो कि ये पब्लिश क्वेश्चन थे, हमने वो यूज कर दिया है, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप स्टैंडर्डाइज जो बने हुए हैं उन्हीं को यूज करें। एक एग्जाम्पल दी हुई है यूजिबिलिटी क्वेश्चन, एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन के, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद हाउ इजी इट इज टू यूज द सिस्टम, और स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, ये इसके लिए एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन बनाया है। इट वाज सिंपल टू यूज विद दिस सिस्टम, कितना सिंपल था यूज करना। आई कैन इफेक्टिवली कंप्लीट माय वर्क यूजिंग दिस सिस्टम, कंप्लीट कर सकता हूँ। आई एम एबल टू कंप्लीट माय वर्क
quickly using this system. I am able to efficiently complete my work using this system. I feel comfortable using this system. So ये एक standardized survey बना हुआ है usability check करने के लिए. तो आपको survey के केस में अगर आप बनाने जा रहे हो तो आपको questionnaire की जरूरत होती है, तो कोशिश करें questionnaire आपको standard को मिल जाए ताकि कोई उसकी authenticity पे बात ना कर सके. अभी हम इन तीनों मेथड का कंपैरिजन करते हैं. अगर आपने लैब एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे कुछ ये तीनों लैब एक्सपेरिमेंट सर्वे फील्ड स्टडी दिया हुआ है, कुछ एक्स एक्सिस पे आपके लिखे हुए वाले कुछ वाई एक्सिस पे लिखे हुए हैं. लैब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बस प्रिसाइज होता है, प्रिसीजन इसमें ज्यादा होती है. प्रिसाइज फील्ड स्टडी जो होता है वो रियलिस्टिक रिजल्ट होते हैं, फील्ड स्टडी के रियलिज्म पे बेस कर रहा होता है. जो सर्वे होता है वो जनरलाइज होता है. लैब एक्सपेरिमेंट होता है हमने 20 लोगों पे लैब एक्सपेरिमेंट किया है और उन्हीं के रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल पब्लिक के व्यूज नहीं हो सकते. हो सकता है वो जनरल उसको फुलफिल ना कर रहे हो, लेकिन जो सर्वे होता है वो जनरलाइजेबिलिटी होती है उसमें कि हम जनरलाइजेबिलिटी हम कह सकते हैं कि ये जनरल लोगों का व्यूज है, क्योंकि सर्वे में से हम डिफरेंट लोगों के साथ कमेंट्स उनसे क्वेश्चन या फिर जवाब ले लेते हैं. अब सर्वे जो होता है वो ऑब्स्ट्रूसिव होता है. ऑब्स्ट्रूसिव डिफरेंट पैरामीटर पे हम उसे देखते हैं डिफरेंट रिसर्च मेथड को. ऑब्स्ट्रूसिव का मतलब क्या होता है कि आपको डिस्टर्ब करता है, यूजर्स को डिस्टर्ब करता है, यूजर की डेली लाइफ में से. आप उसे फॉर एग्जांपल किसी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं ये क्वेश्चन ये फिल करवाते हैं करते हैं, मोस्टली लोग के लिए नहीं करते. अगर आप उनसे फिल करवाते हैं जहाँ आप ऑनलाइन आपने सेंड कर दिया है, तो जो फिल करने वाला है उसे फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसे अपने डेली रूटीन में से हट के आपका काम करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है. मतलब उसकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब करता है सर्वे, एक्सक्लूसिव होता है. लैब एक्सपेरिमेंट जो होता है वो भी डेफिनेटली एक्सक्लूसिव होता है. जो यूजर्स होते हैं वो आपके पास आते हैं आपके एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए. आप कोई उनसे टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो सारा उनकी डेली रूटीन की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा होता है. जो फील्ड स्टडी होती है वो एक्सक्लूसिव नहीं होती, वो अनएक्सक्लूसिव होती है. मतलब जो रियल लाइफ में टास्क होते हैं वो वही परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप सिर्फ उनके डाटा को मेंटेन करके उनके लॉग ले लेते हो, रिजल्ट से ले लेते हो, ये एक्सक्लूसिव नहीं होती. अब जो लैब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो फील्ड स्टडी और सर्वे के रिजल्ट होते हैं वो कंक्रीट रिजल्ट होते हैं. अच्छा एक रिसर्च क्वेश्चन है, डज स्वाइप अलाउ फास्टर टाइपिंग. जो स्वाइप कीबोर्ड है उससे टाइपिंग फास्टर होती है कि नहीं. इसके लिए अगर मैं फील्ड स्टडी करती हूँ तो क्या होगा, सर्वे करती हूँ तो क्या होगा, लैब एक्सपेरिमेंट करूंगी तो क्या होगा, इसको वैल्यूएट करने के लिए एक क्वेश्चन है ना. एक तो आपने बना लिया कि स्वाइप जो है वो फास्टर टाइपिंग वो अलाउ करता है या नहीं करता. अब ये आपने वैल्यूएट करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि क्या ये करता है या नहीं करता. इसके लिए हमने थ्री मेथड हमारे पास है, फील्ड स्टडी भी कर सकते हैं, सर्वे भी कर सकते हैं और लैब एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. अगर हम फील्ड स्टडी करते हैं तो उस केस में क्या होगा, वी टेस्ट यूजर टाइपिंग फोन ऑन देयर फोन फॉर वन मंथ, वी गिव इंस्टॉल यूजर स्वाइप ऑन देयर फोन फॉर वन मंथ एंड चेक द स्पीड. अच्छा फील्ड स्टडी के केस में हम क्या करेंगे, हम यूजर्स को यूजर से मोबाइल पे स्वाइप इंस्टॉल कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ डिफाइन कर लिया है, ये हमारे 20 यूजर्स हैं, उन यूजर्स के मोबाइल पे स्वाइप कीबोर्ड इंस्टॉल कर देंगे. अब वन मंथ तक हम चेक करेंगे जो वो स्वाइप कीबोर्ड को यूज करेंगे, जो भी टाइपिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वो कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ मैसेज टाइप कर रहे हैं, कुछ भी टाइपिंग, जितनी भी टाइप की टाइपिंग करेंगे वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता जाएगा कि उन्होंने कितना टाइम लिया है और कितनी एरर्स जनरेट की है. कोई भी टाइप करते हुए वर्ड कितनी एरर्स कर रहे हैं और कितना टाइम ले रहे हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे. ये वन मंथ के लिए हम ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे बैकएंड पे, और वो जो रिकॉर्ड का डाटा होगा लॉग जो होगा वो गेट करके हम उससे उसकी रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे. रियलिस्टिक है क्या ये? हाँ रियलिस्टिक है, अनऑब्स्ट्रूसिव है. डेफिनेटली हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, उनको वो अपने डेली टास्क परफॉर्म कर रहे थे, उसी के लॉग्स हमने मेंटेन किए हुए हैं जो कि वो नहीं जानते. कंक्रीट टास्क है, कोई आर्टिफिशियल टास्क नहीं दिया,
जो वो टेस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, जो कंक्रीट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस केस में आपको सर्वे करवाया जाता है तो उस केस में क्या होगा, वी गेट सर्वे फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ द फोन यूजर्स। यूजर हम फोन यूजर्स डिफरेंट लोगों से सर्वे करवाते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों से डाटा गेट जनरलाइजेबल होता है, सर्वे जो होते हैं उसके रिजल्ट जनरलाइजेबल होते हैं, बिकॉज वी कैन गेट द यूजर फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बैकग्राउंड। हम डिफरेंट लोगों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे हुए मैंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से